हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम बात करेंगे द ऑल इंपॉर्टेंट मैच बिटवीन बेंगलुरु एफसी एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। इतने सारे वीडियोस देखने के बाद अगर आपके मन में अभी भी कंफ्यूजन है तो गाइस आई एम रीट्रेटिंग अगेन, ये मैच 8 अक्टूबर के शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा बेंगलुरु के श्री कंठीरव स्टेडियम में। तो गाइस आइए बात करते हैं प्री मैच स्टेटस के बारे में। यहाँ पे गाइस अगर आप बेंगलुरु एफसी की बात करें तो गाइस आई थिंक दिस टीम इज इन ग्रेट शेप। रिसेंटली बेंगलुरु एफसी ने दुरान कप का टाइटल जीता था एंड Why not? They can be one of the title contenders this season. Roy Krishna, Sunil Chhetri के अनुभव के साथ साथ टीम में नावरम रोशन सिंह जैसे युवा भी मौजूद है। Above all guys, recent कुछ pre-season मैचों में हमें ये देखने को मिला था, बेंगलुरु एफसी इज ए टफ टीम टू बीट। जी हाँ, बेंगलुरु एफसी के खिलाफ गोल स्कोर करना इतना आसान नहीं है। तो गाइस अपकमिंग मैच में टीम के डिफेंस कम्पैक्ट रहेंगे। क्या नॉर्थ ईस्ट एफसी के फॉरवर्ड इस दीवार को वेट पाएंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। वही अगर आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की बात करें तो गाइस इट्स अ न्यू टीम। जी हाँ, इट्स अ ब्रांड न्यू टीम। जरूर नॉर्थ ईस्ट एफसी के टीम में पिछले सीजन के कई प्लेयर्स है, लेकिन अगर आप रिसेंट साइनिंग्स की बात करें, अगर आप फॉरेन कंटिजन की बात करें तो गाइस ये सब बातें नॉर्थ ईस्ट एफसी को एक नई टीम बनाते हैं विद अ सेट ऑफ अनटेस्टेड एंड अनएक्सपेरिमेंटेड प्लेयर्स। प्री सीजन में हमें देखने को मिला था टीम के डिफेंस फ्रेजाइल है, तो ऐसे में गाइस अवे कंडीशन में सुनील छेत्री, रॉय कृष्णा जैसे इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स के सामने क्या डिफेंस में हाईलैंडर्स के डिफेंडर वो स्टेबिलिटी दिखा पाएंगे, दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक इनटू। दोनों टीमों के हेड कोचेस की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट एफसी के इजरायली कोच मार्को बलबुल अपने सारे अनुभव टीम को देने की कोशिश करेंगे। प्री सीजन के मैचों से टीम को यहाँ पे सुधार लाना पड़ेगा। वही बेंगलुरु एफसी के हेड कोच साइमन ग्रेशन अपने 700 मैचों से भी ज्यादा लंबा मैनेजरियल कैरियर के सारे लेसंस इस मैच में प्रयोग करेंगे। ऑलरेडी वो टीम को दुरान कप के टाइटल दिला चुके हैं। ओनली थिंग इज येट टू बी वॉन इज द ऑल इम्पोर्टेंट आईएसएल ट्रॉफी, और इस मैच के साथ साइमन ग्रेशन उसी को जीतने का अपना मिशन शुरू करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट। तो गाइस इस मैच में ऑन एंड ऑफ द पेपर एक ही टीम फेवरेट है और वो है बेंगलुरु एफसी। यहाँ पे परिस्थिति बेंगलुरु एफसी के फेवर में है। बेंगलुरु में बेंगलुरु एफसी को हराना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए गाइस बेंगलुरु एफसी के सामने नॉर्थ ईस्ट एफसी के प्लेयर्स को बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट एफसी आर द अंडरडॉग्स फॉर दिस मैच, बट गाइस दैट डजंट मीन हाईलैंडर्स कैन नॉट बीट बेंगलुरु एफसी। टीम के प्लेयर्स अगर एकजुट होकर खेलेंगे तो गाइस बेंगलुरु एफसी के फोर्ट्रेस भी यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। एनीवेज गाइस इस मैच के प्रीव्यू में आपको लाइनअप के बारे में नहीं बताया है, बिकॉज़ आई वांट टू वॉच हाउ बलबुल प्लेस इज 11, बट आई वांट टू नो योर प्लेइंग 11 इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो जियो टीवी और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप इस मैच को देख सकते हैं। तो गाइस इस मैच को जरूर देखिएगा।